والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. हमारी गुफ्तगू का सरनामे कुरान अशरे मुहर्रम में शबे अव्वल से लेकर इस सिलसिले की आज ये आखिरी मजलिस है जिसे शाम में मैं अक्सर आप हजरात को अल्फाज और तराकीब और अनामीन की तरफ भी मुतवज्जे करता हूँ। जरा सब्र करके मेरा साथ दे दें। अरबी जबान में गरीब के मानी होते हैं अजनबी और मुसाफिर के, और इस एतबार से ये उन्वान बहुत फिक्र अंगेज और बहुत मानी खेज है। खुद इस उन्वान के कई मरातिब हो जाते हैं अगर हम जाहिरी एतबार से गौर करें। इस दुनिया में, इस जमान व मकान में रहते हुए हमारी गुर्बतें, हमारी हिजरतें, और अगर उस एतबार से गौर करें कि हम सब का वतन असली कहीं और है, और इस दारे दुनिया में हम सब के सब गरीब हैं, उस वतन असली से दूर हैं, तो हम सब की जिंदगियों के लिए ये एक शाम गरीबा बड़ी मानवियत रखती है, बेपनाह मानवियत रखती। बस ये एक इशारा था आप हजरात गौर फरमाएंगे। मुझे अंदाजा है ये शाम गरीबा पूरी दुनिया में, क्योंकि उस रोज के अख्तिताम पर ये मजलिस मुनक़िद होती है जो रोज रोज आशूरा कहलाता है। इस एतबार से हर फर्द किसी बहुत फिक्र अंगेज उनवान पर गौर करने के लिए आमादा नहीं होता, लेकिन
इस फकीर का तरीका कार है कि हम ऐसे ही मौके पर फिक्रंगेज अनामीन कायम करते हुए आगे बढ़ते हैं। गौर कीजिएगा कि करबला की शाम गरीबा से हम सब की जिंदगियों की हर शाम का ताल्लुक है। अगर हमारे जहन में मफहूम गुरबत वाजह रहे, अगर हमारे जहन में मफहूम हिजरत वाजह रहे, अगर हमारे जहनों में उस वतन असली और वतन हकीकी का तसव्वुर कायम और जिंदा रहे, फिक्र का दूसरा मरहला हमने उन्वान कायम किया इस सरनामे कुरानी के ज़िम्न में ज़ैल में मशीयत और हुसैन। खुद मशीयत के उन्वान से गुफ्तगू मुकम्मल ना हो सकी। मशीयत के मरातिब हैं, मशीयत के अकसाम हैं। एक मशीयत मशीयत हिदायत है, एक मशीयत मशीयत मुल्क है, एक मशीयत मशीयत खल्क है, एक मशीयत मशीयत ईजाद है, एक मशीयत मशीयत इब्दार है। मशीयत के मरातिब हैं और तमाम मरातिब मशीयत में हक सुभानहु व तआला ने हुसैन को एक इम्तियाज बख्शा है। तमाम मरातिब मशीयत में सरकार सैयद शुहदा अबू अब्दुल्लाह हुसैन हक सुभानहु व तआला ने एक इम्तियाज बख्शा, एक इख्तियार बख्शा, हक शफाअत बख्शा है। और वो इसलिए बख्शा है, अब इसके कि मैं कुछ और अर्ज करूं, बस इशारे अर्ज कर दूं। मसलन कुरान मजीद में मशीयत खल्क से मुताल्लिक किस कदर फिक्र अंगेज है ये आयत, जहां कहा गया इल्लाह मुल्कु السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورُ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ। आसमानों और ज़मीनों का पूरा इख्तदार उसी हक सुबहानहु व तआला के इख्तियार में। يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ जिस शय से मुतालिक उसकी मशीयत होती है उसे खल्क फरमाता है। يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورِ। यहाँ पर बस सिर्फ इशारा कर रहा हूँ, खास तौर पर जो तालिबान इल्म हैं, जस्तजू रखते हैं, मुतालआ रखते हैं, उनके लिए तो इशारा है। और जो सिर्फ तबर्रुकन समाज फरमा रहे हैं उनके लिए भी ये तज़किरा और तज़क्कुर बरकत से खाली नहीं। यह आयत बहुत फिक्र अंगेज है हक सुभानहु व तआला की मशीयत में। मशीयत खल्क क्या है, क्यों वो किसी को बेटी अता करता है, क्यों वो किसी को बेटा अता करता है। और यहाँ इस आयत में उमूमी तस्किरा नहीं है, इनाथन में तनकीर क्यों है, अज़्ज़ुकूर में तारीफ क्यों है, क्यों वहाँ मारिफा आया अलिफ़ुलाम के साथ, क्यों यहाँ अलिफ़ुलाम के साथ नहीं है। इसके मानी ये हैं कि यहाँ पर उमूमी बयान के साथ साथ कोई खसूसी इशारा भी है। मादर मरियम बेटा तलब करती है मगर उसे बेटी मिलती है। मरियम को बगैर किसी सबब जाहिरी के बेटा आता होता। मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद दुनिया अबतर के ताने देती है, उन्हें बेटा अता होता है लेकिन वापस ले लिया जाता है। और वो बेटी अता होती है
जिससे एक के बाद एक वो बेटे मिलते हैं कि जिनसे सिलसिला हिदायत कायम रहता है। ये सब मशीयत के उमूर हैं, ये सब मशीयत के उमूर हैं। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनाथन व यहबु लिमन यशाउ अज़्ज़ुकूर। ये एक मकाम है सिर्फ जहां पर मशीयत खल्क की तरफ इशारा हुआ। इससे मुतालिक जो आयतें हैं जमा करते जाएं, तदब्बुर करते जाएं, मुतालआ करते जाएं, तो असरार मुनकशिफ होते चले जाएंगे। मशीयत हिदायत खुद इस आयत में मौजूद है जो मुसलसल पढ़ता रहा हूँ, और इसके अलावा न जाने कितनी आयतें हैं जिनमें मशीयत हिदायत की तरफ इशारा। मशीयत हिदायत के भी मरातिब हैं। एक हिदायत है हिदायत तकवीनिया और उसके भी मरातिब हैं। एक हिदायत है हिदायत तशरीया और उसके भी मरातिब हैं। उसके भी मरातिब हैं। हिदायत आ चुकी, नबुवत खत्म हो चुकी, फिर भी हमें और आपको हुक्म दिया गया है ना कि रोजाना नमाज में اهدنا الصراط المستقيم कहें परवरदिगार हमें हिदायत फरमा, हमें हिदायत पर बाकी रख, साबित रख। हिदायत करने के लिए भी मशीयत दरकार है, हिदायत पर बाकी रखने के लिए भी लुत्फ और इनायत खास जरूरी है। बगैर लुत्फ और इनायत इलाही के कोई सिरात मुस्तकीम पर साबित कदम रह भी तो नहीं सकता। ये तौफीक कहाँ से हासिल होगी? ये तौफीक, ये इनायत रब्बानिया किस तरह हासिल होगी? किसके तवस्सुल से, किसके तवस्सुल से, किसके जरिए से? जब भी ये सवाल जहन में आए कि रब की तरफ से कोई इनायत खास कब शामिल हाल होगी, कैसे शामिल हाल होगी, किस तरह शामिल हाल होगी, तो इस फकीर का ये जुमला याद रखिएगा, हुसैन से तवस्सुल कर लीजिए, मसले हल हो जाए। आका हुसैन का एक खास ताल्लुक है मशीयत से। मशीयत, मशीयत और हुसैन, ये उन्वान यूं ही खतीबाना मुबालगा नहीं है। मदन कुरानी को उनका मुबालगा करते चले जाएं, आयात में डूबते चले जाएं और गौहरे मानी रोलते चले जाएं। मशीयत खल्क है, मशीयत इब्दा है, मशीयत ईजाद है। अब जाहिर है कि आज इस मुख्तसर से वक्फे में इन तमाम मतालिब का गुजारिश किया जाना मुमकिन नहीं है, इसलिए कि आप सब आमादे गिरिया बुका हैं। आका हुसैन की जबान से दो जुमले बार बार, सैकड़ों बार आप सुनते रहे, हर जाकिर बयान करता है। आका हुसैन ने मदीने से चलने से पहले अपने नाना रसूलुल्लाह की ज़बानी फरमाया था। जब लोगों ने पूछा करबला क्यों जा रहे हैं, तो मैं, मेरे नाना ने कहा है, या हुसैन उखरुज इला अल-इराक शा अल्लाह अन यराका क़तीला। ए हुसैन जाओ इराक की तरफ जाओ, अल्लाह की मशीयत यह है कि वो तुम्हें अपनी राह में कुर्बान देखे। उसके बाद जब यह सवाल किया गया कि आप तशरीफ ले जा रहे हैं, आप कुर्बान होंगे, आप कुर्बानियां देंगे, तो ये साथ में अहले हरम को किस लिए ले जा रहे हैं? फिर दूसरा फकरा सामने आया, शा अल्लाह यराहुन सबाया। अल्लाह की मशीयत ये है कि इन्हें अपनी राह में असीर देखे। ये शाम गरीबा इस दूसरी मशीयत का आगाज हो रहा है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। गिरिया कर रहे हैं तो आदाब गिरिया में इमाम जाफर सादिक ने फरमाया है, गिरिया करो हमारे दिल पर तो बुलंद आवाज से। हुसैन पर गिरिया भी मक़लूब मशीयत है। ये गिरिये की आवाजें गफलत में पड़े हुए जमीरों को झिझोड़ देती हैं, जगा देती हैं। करबला में सरकारे सैयद शहदा बमशीयत रब बइज़्न रब तशरीफ लाए और वो जिहाद फरमाया कि जैसा जिहाद
इंसानी तारीख में दूसरा कोई जिहाद नहीं मिलता। एतराफ है दुनिया के मुफक्किरों का, दुनिया के फलसफियों का, दुनिया के मुअर्रिखों का, दुनिया के बाज़मीर इंसानों का, दुनिया के हुर्रियत पसंद इंसानों का, दुनिया के वाकई उन इंसानों का जो हुर्रियत की कदर और कीमत अपने वजूद में रखते हैं, उनका ये ऐलान है कि आका हुसैन जैसा जिहाद इस रूए जमीन पर किसी ने नहीं किया, न किया न मुमकिन है। बाज़ ऐसे नादान हैं जो वाकयात की मुमासिलतें तो तलाश करते हैं, आका हुसैन की मुमासिलतें पेश करते हैं, जमाने के साथ दूसरा हुसैन तलाश करते हैं। नादानी ना करें, हुसैन को दुनिया में वजूद में लाने के लिए फातिमा जैसी मां दरकार। हुसैन इब्ने अली, हुसैन को दुनिया में लाने के लिए फातिमा जैसी मां दरकार है। हुसैन में दुनिया, हुसैन को दुनिया में लाने के लिए अली इब्ने अबी तालिब जैसा बाप दरकार है। हुसैन को दुनिया में लाने के लिए मोहम्मद अरबी जैसा सरचश्मे मरकजे दायरे वजूद दरकार है। हुसैन हर एतबार से आका हुसैन का जिहाद मुकम्मल है। जितनी हिदायत अल्फाज के जरिए से, खुतबात के जरिए से, किताबत के जरिए से दुनिया को फराहम कर सकते थे वो भी हुसैन ने फराहम की, और जितनी हिदायत कुर्बानियाँ देकर पेश कर सकते थे वो भी हुसैन ने दुनिया वालों को हिदायत फराहम की। एक एक जुमला सैयदुश्शहदा का काबिल गौर, काबिल फिक्र और सरचश्मे नूर है, सरचश्मे हिदायत है हर फर्द बशर के लिए। सिर्फ शर्त बेदारी जहन और बेदारी ज़मीर है। जहन बेदार हो, ज़मीर बेदार हो, इंसान सियासी या किसी और किस्म के तासुबात का शिकार ना हो, आका हुसैन का मुतालआ करे, आका हुसैन की सीरत का मुतालआ करे। सिबत रसूल सिबतुम मिन अल असबात, सिबतुम मिन अल असबात, इनके कलिमात का, इनके खुतबात का मुतालआ करे, फिर इनके इकदामात को तो देखे। सुबह आशूर से एक एक अमल, मतलब यही बात जो ज़ाकिरीन खुसूसियत से पढ़ते हैं, आखिर इसके पीछे हिकमत थी ना कि आका हुसैन के साथ एक मुअज्जिन था, मुसलसल वो अजान दिया करता था, लेकिन सुबह आशूर जब नमाज के लिए खड़े हुए हैं तो आपने उस मुअज्जिन को रोक दिया और अपने जवान बेटे शबीह पैगंबर अली अकबर से कहा, बेटा आज इस वक्त तुम अजान दो। अली अकबर की अजान सुबह आशूर, अली अकबर की अजान सुबह आशूर की, ये तनह अजान उस मैदान में जहां तक अकबर की आवाज अजान जा रही थी, लोगों के दिलों को, दिमागों को, जहनों को, जमीरों को बेदार करने के लिए काफी थी। और अगर फिर भी जो बेदार नहीं हुए उनके लिए आप सोच सकते हैं कि उनकी शकावतों का क्या आलम होगा, उनकी शकावतों का क्या आलम होगा जो ऐसे शकी थे, ऐसे शकी थे। उन्हीं से ये मुमकिन था कि असर आशूर होते होते हुसैन जब यक्का और तन्हा रह गए, उस वक्त हाकिम जायर और हाकिम ज़ालिम की खुशनुदी हासिल करने के लिए उन्होंने हक सुभाना हुआ ताला की कैसी नाराजगी मोल ली है कि जब आका हुसैन यक्का और तन्हा रह गए थे एक बुलंदी पर और फरस मुबारक पर थे, तो जिसके हाथ में जो असलहा था वो हुसैन के लिए इस्तेमाल कर रहा था, जिसके हाथ में जो असलहा था वो हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल कर, तलवारें उठती थी जो हुसैन के लिए,
नैजे चलते थे तो हुसैन, तीरें चलती थी तो निशाना हुसैन बन गए। जिसके हाथ में कोई असलहा नहीं था वो जमीन से पत्थर उठाता था। पेश की करबला की दश्त में जब शाम आ गई, शाम गरीबां, और मैंने गुजारिश की कि यहां से वो उस मशीयत का आगाज होता है जो हुसैन ने कहा था। मेरे नाना ने कहा है ये अहले हरम के लिए भी अल्लाह की मशीयत है। यराहुन्ना शाह अल्लाह यराहुन्ना सबाया, अल्लाह की मशीयत यह है कि इन्हें असीर देखे। हाँ, ये असीर हो गए, इस्लाम को आजाद करा रही थी। ये अहले हरम असीर होकर ईमान को आजाद करा रहे थे। ये अहले हरम असीर होकर ज़मीर इंसानी की आजादी का अहतमाम कर रहे थे। ये अहले हरम असीर होकर, खुद असीर होकर कल्ब व ज़हन बशरी को कयामत तक के लिए आजादी अदा कर रहे थे, उनकी आजादी का अहतमाम कर रहे थे। कौन कौन असीर हुआ, तफसीलात तो आप जानते हैं, मैं अक्सर नहीं पढ़ता इसलिए कि तारीखों में सारी तफसीलात हैं नहीं, और मुअर्रिखीन ने बहुत कुछ खयानतें भी की हैं। मैं तो बस इतना कहता हूँ, कयामत तक हमें अपना सीना जाग करने के लिए, सर व सीना पीटने के लिए, गिरिया करने के लिए, क्या ये एक छोटा सा फकरा काफ़ी नहीं है कि ज़ैनब असीर हो गए। रसूल की मोहब्बत और आजमत हो, उसके लिए ये एक जुमला कयामत तक बेचैन रहने के लिए काफी है, मातम करने के लिए काफी है। अहले बैत मुस्तफा असीर हो गए, ज़ैनब के बाजुओं में रसंद बढ़ गए। बाज़ हज़रात फलसफा तराजियां करते हैं अल्लाह की राह में। हुसैन ने जिस शुजात के साथ जिहाद किया है, उनका तस्करा रो कर करना अच्छा नहीं लगता। हाँ, लेकिन जिस शकावत के साथ उम्मत ने अहले बैत को असीर किया है, जिस शकावत के साथ उम्मत ने खयाम हुसैनी को लूटा है, इस शकावत के साथ उम्मत ने खयाम हुसैनी में आग लगाई है। हुसैन से दुश्मनी थी, हुसैन से इख्तिलाफ था, हुसैन ने बयान करने से इनकार किया था। खुद उस जमाने के कबाइली आराफ और कबाइली आदाब और उसूल और तरीके कार में क्या था, क्या ख्वातीन के साथ इसी तरह पेश आते थे? खवातीन के साथ इसी तरह पेश आते थे कि जब
जब आका हुसैन का सर नो के नजर पे बुलंद हो गया तो शोले ले लेकर खयाम हुसैनी तक बढ़े और खेमों में आग लगाना शुरू की। जब एक खेमा जलने लगता था बीवियां दूसरे खेमे में आ जाती, जब वो खेमा जलने लगता था बीवियां तीसरे खेमे में आ जाती थी। आखिर सारी बीवियां उस खेमे में जमा हो गईं जहां सैयद सज्जाद बीमारी के आलम में बिस्तर पर पड़े हुए थे और एड़ियां रगड़ रहे थे, बेचैन थे, करवटें बदल रहे थे। बीबियों ने आकर एक मर्तबा पूछा है, अल्लाहु अकबर, ज़ैनब पूछ रही है सैयद सज्जाद से पूछ रही है, बेटा बेटा ये बताओ, दुश्मनों ने खयाम में आग लगा दी है, हम खेमों में जल के मर जाएं या बेरिदा खेमों से बाहर निकल जाए। और किस कदर कर्बनाक और अलमनाक है ये मौका जब इमाम ने इमामत का मनसिब संभाला है, उहदा संभाला है और पहला हुक्म ये दे रहे हैं अपनी भूमि को अपनी बहनों को बेरिदा निकलना है। बीवियां खयाम से निकली, खेमे जल रहे हैं, शोले भड़क रहे हैं, खुद दुश्मन दुश्मन वकायह निगार ये लिखते हैं कि मैंने देखा ज़ैनब को चैन नहीं है, करार नहीं है, बार बार फिर जलते हुए खेमे की तरफ बढ़ती हैं और वापस आ जाती है, बार बार बढ़ती हैं और वापस आ जाती हैं, शोले भड़क रहे हैं। एक मरतबा ज़ैनब ने हिम्मत की, हिम्मत और हौसले से काम लिया और भड़कते हुए शोलों में दाखिल होती चली गई। मुझे हैरत थी कौन सी ऐसी कीमती चीज है जो खैमों में रह गई है और ये बीबी उसको तलाश करने के लिए खैमे में जा रही है। चंद ही लम्हे गुजरे थे कि मैंने देखा एक बीमार है जिसे कुश्त कर लेगा। ज़ैनब खैमों से बाहर आई और जल्दी ज़ैनब है जो इस वक्त इमाम वक्त की जान सरकार से बचा रही है। ये ज़ैनब है, ये ज़ैनब है, ये ज़ैनब है, असीर हो चुकी है, हल्का है, दुश्मनों का हल्का है, लेकिन ये खिदमत इस्लाम है, ये खिदमत हिदायत है। जो बीबी अल्लाह की तरफ से मुअय्यन हादी और रहबर और इमाम और हज्जत खुदा की इस तरह हिफाजत करे, अल्लाह उसकी अपनी मशीयत के निज़ाम में उसे क्या इम्तियाज अता करेगा। सोचो हुसैन का अपना मर्तबा है मशीयत इलाहिया में, ज़ैनब का अपना इम्तियाज है अल्लाह के निज़ाम मशीयत में। ज़ैनब भी शफीए रोज़े जज़ा है, ज़ैनब से भी तवस्सुलात करो दुनिया और आखिरत के मकासिद बुलंद मकासिद हासिल होंगे। यह है ज़ैनब जो इमामत की मदद कर रही हैं, इमामत की हिफाजत कर रही हैं। बस दो तीन फकरे अर्ज कर लूँ, दो तीन फकरे अर्ज कर लूँ। शाम गरीबा है, गिरिए का हक अदा कीजिए, मादम का हक अदा कीजिए। बीवी ने और इन तमाम बीवियों ने जो जुल्म सितम अपनी आँखों से देखा है, खुदा इस रूए जमीन पर किसी को न देखे। बाज वो मजालिम हैं जिनका आप तसव्वुर नहीं कर सकते और जो सराहत के साथ किताबों में नहीं लिखे हैं, लेकिन तमाम रिवायतों को जमा करें तो उससे इस्तेमाल क्या होता है। वो रिवायत याद है ना कि जनाब सैयद शुहदा के सामने एक शकी कासिम का सर जुदा करना चाह रहा था, आका हुसैन ने कबूल नहीं किया, बर्दाश्त नहीं किया, कासिम का सर जुदा नहीं होने दिया। इसके मानी क्या है? इसके मानी यह है कि जब भी कोई शहीद शहादत पाता था तो उसका लाशा हुसैन उठा कर ले आते थे, यानी जब तक आका हुसैन मौजूद रहे किसी का सर कलम नहीं हुआ।
जब तक आका हुसैन मौजूद रहे एक दो इस्तेसना के अलावा किसी का सर कलम नहीं होने दिया। हुसैन ने, हुसैन की हैबत ने, हुसैन के वजूद ने, हुसैन की रियाजत ने, हुसैन सबका नशा ले आते थे खैमे में। अब जब हुसैन नहीं है, हुसैन का सर लोगों के नज़र पे बुलंद हो गया, तो गोया अब जब दुश्मनों ने आके सर कलम किए हैं तो लैला देख रही है और लैला के सामने अकबर का सर कलम किया गया। अब ज़ैनब देख रही है और ज़ैनब के सामने औनो मोहम्मद का सर कलम किया जा रहा है। अब उम्मे फरवा देख रही है और उनकी निगाहों के सामने कासिम का सर कलम किया जा रहा है। ये मुसीबतें बीबियों ने देखी हैं, उसके अलावा क्या मुसीबतें देखी इस एक शाम गरीबा में। कितने बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो प्यास से बिलख रहे थे, प्यास से तड़प रहे थे। और तारीखों का मुताला जहां तक मैंने किया, जब तक अब्बास जिंदा रहे बच्चे अल अतश कहते रहे। अब्बास का दामन थाम लेते थे, पानी तलब करते थे, लेकिन आका अब्बास हुसैन इब्ने अली की मौजूदगी में जब हजरत अबुल फजल अब्बास शहीद हो गए, उसके बाद वो छोटे छोटे बच्चे भी किसी से पानी तलब नहीं करते। बच्चे भी किसी से पानी तलब नहीं करते थे, प्यास का क्या आलम रहा होगा। तो बाज रिवायतों में यह है कि बीबी ने खयाम के जलने के बाद जली हुई राख पर जब कुनबे को समेटना शुरू किया, सबको जमा करना शुरू किया, तो बाज मौके पे गई और बीबी ने समझा कि ये बच्चा सो गया है, लेकिन वो बच्चा सोया नहीं था। ये बच्चे प्यास की शिद्दत की बिना पर ऊपर से जलती हुई रेत अपनी मुट्ठियों से हटा देते। जब जरा सी खुनक रेत निकल आती थी, अपना सीना उस पर रख कर सो जाते थे। ये बच्चे जो सो गए फिर बेदार ना हुए। हुसैन रुखसत हुए थे, रुखसत आखिर
तो मैंने अर्ज किया था अमीर सैयद अली अफगानी वाइज अफगानी ने लिखा है कि जब हुसैन चले हैं जैनब ने सवार कर दिया तो फिर जनाब उम्मे कुलसुम की निगाहों के सामने से जैसे पर्दा उठ गया और जनाब उम्मे कुलसुम ने यह देखा कि हुसैन तन्हा नहीं है, घोड़े पर हुसैन जा रहे हैं लेकिन पीछे पीछे कोई उन्हें वदा कर रहा है। एक मरतबा बीबी ने पूछा, भैया तुम अकेले हो या तुम्हारे साथ कोई और भी है? हुसैन ने पलट के कहा कि बहन ये नाना है जो मुझे रुखसत कर रहे हैं। ये मैं असरे आशूर जिक्र कर चुका हूँ और अब इस वक्त जब शाम गरीबा मसाइब बढ़ते जा रहे थे और बीबी जैनब इन मसाइब को उठा रही थी उस वक्त बीबी जैनब की निगाहों के सामने से भी एक पर्दा हटा, देखा एक सवार है जो चला आ रहा है। बीबी आगे बढ़ी और बड़ी बड़ी हैबत और जलाल से कहा, आने वाले ठहर जा, हम लुट चुके, अब कोई सामान दुनिया हमारे पास नहीं आए, दुश्मनों ने सब लूट लिया, बच्चे अभी सोए हैं, ये कुलबा अभी सोया है, मैं इनकी हिफाजत कर रही हूँ, अब करीब ना और अगर कुछ है तो सुबह आ जाना। लेकिन सवार आगे बढ़ता रहा, जब बीवी हाँ ये मशीयत के असरार हैं, ये मशीयत के असरार हैं, ये शायराना रिवायतें नहीं हैं, ये मशीयत के असरार हैं। जब वो सवार आगे बढ़ा, बीवी आगे बढ़ी, ले जा में फरस पे हाथ डाला, मैं अली की बेटी हूँ, बार बार कह रही हूँ ठहर जा, मगर तू मेरी फरियाद नहीं सुनता, आने वाले मेरे सामने रुख खोल जा, बेटी ज़ैनब, बेटी हुसैन भी इम्तिहान में कामयाब हुआ, तू भी इम्तिहान में कामयाब हुई, बेटी अब मैं आ गया हूँ, जरा तू भी कुछ देर के लिए आराम कर ले, मैं हूँ अली, अब मैं हिफाजत करूंगा। यकीनन बीवी ने क्या क्या फरियादें की होगी, बाबा आपको मनाजिर देख रहे थे, जब मेरा हुसैन घोड़ों से पामाल हो रहा। Salaam.
कश सदा सिर है पतों में इमामत की पहली है सदा Thank you.